क्या ओवरनाइट चार्जिंग से बैटरी ओवरलोड होती है? स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे आम सवाल है कि क्या रात भर फोन को चार्ज पर लगाया जा सकता है? क्या रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाने से ब्लास्ट हो सकता है? लोगों के मन में यह डर लाजमी है, क्योंकि पिछले कई मामलों में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। लेकिन बता दें, जब तक फोन में कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम या डिफेक्ट नहीं होगा तो ब्लास्ट नहीं होगा। आइए आज हम आपको ऐसे सवालों के जवाब बताते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। जानकारों की माने तो आजकल के स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव चिप्स होती है जो ओवर चार्जिंग को रोकती है। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, इन चिप्स के कारण चार्जिंग रुक जाती है। हालांकि अगर फोन को रात भर चार्जिंग में लगाकर छोड़ दें तो बैटरी 99% पर आते ही फिर से चार्ज होने लगती है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। फुल चार्ज के बाद तुरंत हटाएं चार्जिंग से। अगर आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसे रात भर चार्जिंग में न छोड़ें। इसके बजाय इसे 80 या 90% तक चार्ज करें और फिर इसे चार्जिंग से हटा दें। इससे बैटरी की क्षमता बढ़ेगी और फोन का जीवन काल भी लंबा होगा। अब इसमें दिक्कत ये होगी दोस्तों, फोन को बार बार चार्ज होगा तो इससे डिवाइस हीट हो जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो चार्जिंग के समय कवर को हटा देना चाहिए। ध्यान रखें कि इसके ऊपर कोई भारी चीज यानी किताब जैसी चीज ना हो। तकिए के नीचे भी रखकर फोन चार्ज ना करें। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।